वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों में भले ही गिरावट पाई जा रही हो, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही मौतों को देखते हुए देश के कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। इस कड़ी में आज यूपी सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला यूपी 8वां राज्य है। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा, पंजाब और चंडीगढ़ इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। मेरठ जिले में 72 केस अभी तक मिल चुके हैं, जबकि 6 लोगों की ब्लैक फंगस के चलते मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। ये कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। आज फर्स्ट बाइट को मेरठ CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने यह जानकारी दी। ब्लैक फंगस के हमारे जिले के अंदर अभी तक 72 केसेस मिले हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सर, जिस तरीके से फंगस बढ़ रहा है, कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है? यहाँ पे अन्य जनपदों के भी पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और इसमें लगभग आधे मरीज जो हैं मेरठ के हैं, बाकी अन्य अड़ोस पड़ोस के जनपदों के हैं। सर, अगर बात करें तो वहीं एक वाइट फंगस भी सामने निकल कर रहा है। क्या है ये वाइट फंगस, है किस तरीके का वाइट फंगस? जो फंगस है, वाइट फंगस कोई अलग फंगस नहीं है। एक्चुअल कलर इस फंगस का वाइट होता है, लेकिन क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को वो उसको रोक देता है, इसका कलर जो जब वो खराब होता है, टिश्यू खराब होता है, तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो नाम इसका ब्लैक फंगस है, तो एक्चुअल कलर वाइट है। सर, किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या मार्केट में दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं इसको लेकर? मेडिकल कॉलेज में दवाइयाँ अवेलेबल हैं और मार्केट के अंदर जो एम्फोट्रेसिन बी के सब्स्टिट्यूट भी कुछ लोग दवाई बता रहे हैं, वो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, क्या इनको ट्रैक करने के लिए टीमें लगाई गई हैं, किस तरह से कुछ किया गया है? नहीं, ये तो पेशेंट्स टीम से ट्रेस नहीं हो सकता। कि जो कोई परेशानी आती है, डॉक्टर्स को सचेत कर दिया गया है, डॉक्टर्स खुद स्वयं इसको अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेशेंट जिसको ENT की प्रॉब्लम आती है, वो डॉक्टर जाता है, मिलता है पेशेंट और अर्ली डिटेक्शन अब हो पा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकारी गाइडलाइन का 100% पालन करें। घर रहें, सेफ रहें, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।